फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आज हम 2.5 एक्सरसाइज को बढ़ने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज, बिकॉज जो आगे आने वाला एक्सरसाइज है ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा है फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर 2nd पॉलीनोमियल से, ये समझने की ज़रूरत है और लर्न भी आपको करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हेल्प लेकर के प्रॉब्लम्स को बनाने जा रहे हैं, आगे का जो एक्सरसाइज 2.5 होगा, दैट विल द न्यू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स इन द एनसीईआरटी। सो दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, बट just I want to describe the first identities and you have learned in the previous classes. Suppose x, one of the variable, and y, square of this binomial, you know, x square plus y square plus 2xy, okay? And again, if x minus y whole square, x square plus y square minus 2xy, just reverse of identity, factorize, this is identity, this is factorize. That means if anything is written in the form x square plus y square plus 2xy, that means x plus y whole square. And if any algebraic expression is written in the form x square plus y square minus 2xy, it is x minus y whole square. So it is factorized. And similarly, x plus y multiplied by x minus y. तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट वाइस वर्सा इसका होगा ये, तो वो फैक्टोराइज हो जाएगा। आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, अब ट्राइनोमियल, यानी थ्री टर्म्स का एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इसका देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। एंड देन फैक्टराइज अगर रहेगा आपका ये पूरा दिया हुआ, तो इसका वाइस वर्सा, जैसे अगर इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, तो आप इसको लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली, अब ये तो ट्राइनोमियल में अगर कोई साइन चेंज करेंगे, सपोज कि आपने चेंज किया x प्लस वाई माइनस जेड, तो आप ध्यान रखो कि जहाँ जहाँ z है, ये तो तीनों ऑलवेज प्लस में ही होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो तो पॉजिटिव होगा, बट देखिए 2xy, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 2xy पॉजिटिव में आएगा, बट yz में एक जो है नेगेटिव है, तो माइनस 2yz, ये z के कारण, और फिर xz, तो माइनस 2xz। और इसी का वाइस वर्सा आप देखिए, अगर इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। तो ये था ट्राइनोमियल का दो, बाकी y और z भी रह सकता है माइनस में, xy भी रह सकता है माइनस में, बट यहाँ जो है फोर टर्म्स आएंगे पॉजिटिव और बाकी दो टर्म्स जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। इस तरह से आप चलिए क्यूबिक के लिए, ये तो था स्क्वायर के लिए। अब इस तरह से
ये देखिए इस फॉर्म में रहेगा, अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्म रहेगा तो इसका आइडेंटिटीज में आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और अगर इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फॉर्म एक्स प्लस ए बी, तो आप इसको लिखोगे एक्स प्लस ए फैक्टराइज हो गया और एक्स प्लस बी, तो एक ही आइडेंटिटीज हो गया। अब क्यूबिक के लिए देखिए, क्यूबिक में है कि एक्स प्लस वाई अगर होल क्यूब है तो इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी का दूसरा रूप हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब जब इस फॉर्म में रहेगा तो उसको इस फॉर्म में आप लिखोगे, यानी अगर रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो आप लिखोगे इसको एक्स प्लस वाई होल क्यूब। देन अगर एक्स माइनस वाई अगर यहाँ प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, आप देखिए तो प्लस को आप अगर यहाँ माइनस कर दिया तो क्या करोगे, ये माइनस कर देना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये माइनस थ्री एक्स वाई और ये माइनस, ओके। सिमिलरली आप देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा, ओके। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह से मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। अब इस तरह से इसका फैक्टराइज करने का अगर है, इस तरह से रहेगा कि एक्स क्यूब प्लस के नीचे माइनस दे दिया वाई क्यूब, अगर इस फॉर्म में रहेगा प्लस के नीचे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस ऑलवेज प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे एक्स प्लस माइनस वाई होल क्यूब। दैट मीन्स समझने का है कि अगर प्लस 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 अगर इस तरह से रहेगा प्लस 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 तो आप एक्स प्लस वाई होल क्यूब, अगर रहेगा प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस तो इस तरह से आप लिखोगे। तो इस तरह से ये कुछ हैं जिनको कि आपको जानने की ज़रूरत है। इसके आगे भी एक है, अगर रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो आप इसके फॉर्मूला जानो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाई है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिखते हैं वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे इसका प्रूफ भी बताएंगे, बट पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसके बाद तुरंत, और फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बताएंगे उसमें आपको इन सारे का प्रूफ जो है लेकर के आएंगे आपके लिए। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, ओके, और प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये सारे आपके लिए प्रूफ लेकर के आएंगे हम आपको आगे फर्दर। और यहाँ देखिए एक फार्मूला बनता है फैक्टोराइज में कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो दिया है देन फैक्टोराइज होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। सो दीज आर द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन जो आपको अगले एक्सरसाइज अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5 एंड इन दैट एक्सरसाइज दिज ऑल फार्मूलाज रिगार्डिंग फैक्टराइज एंड दिज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर यूज्ड।
जैसा कि हमने कहा कि पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को आप पहले समझ लो, उसे जान लो, उसे पहचान लो, बहुत पहले से भी आप पहचानते आ रहे हो, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि ठीक जैसे कुल्हारी है और उसमें जब आप लकड़ी का डंडा नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, तो आप उसी तरह से इस बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स को आप बनाना संभव नहीं कर पाते एक्सरसाइज 2.5 का। जैसा कि देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5, जस्ट आई एम स्टार्टिंग। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज़ का मतलब जिस आइडेंटिटी का ज़रूरत जहाँ पर हो हमें वही आइडेंटिटी प्रयोग में लाना है, इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसका प्रोडक्ट फाइंड, ऐसा नहीं कि x ले लिया x प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ले लिया x प्लस 10 से, नो, विदाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें ये सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए दिया सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ हमने जैसा कि पढ़ा कि यूजिंग आइडेंटिटीज, आप यहाँ कौन सा यूज करोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, इसीलिए हमने आइडेंटिटी बताया x प्लस ए एक्स प्लस बी जो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ x के बदले क्या है, x ही है, ओके, तो ये हो जाएगा x के बदले x ही स्क्वायर प्लस ए 4 है और b 10 है, तो 4 प्लस 10 और x के बदले x ही है प्लस 4 इंटू 10, तो हमारा क्या आया रिजल्ट, एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस 10 14 एक्स प्लस 40, और यहाँ लिख दीजिए आंसर। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप यहाँ देखिए कि a के जगह 8 है और b के जगह माइनस 10 है, तो आप लिखोगे सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिखते भी जा रहे हैं, आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ क्या है, x के जगह पे आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह 8 और b के जगह माइनस 10, एक्स प्लस ए के जगह 8 इंटू माइनस 10, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और 8 में से 10 माइनस करने से माइनस में आएगा 2x और माइनस 80, और फिर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब देखिए x के जगह पे 3x है, तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी का यूज़ होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसका क्या होता है परिणाम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, एक्स के जगह 3x, 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 और इंटू 3x नॉट x प्लस 4 इंटू माइनस 5, रिजल्ट क्या देगा, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 4 में 5 माइनस 3x माइनस 20। एंड देन फोर्थ नंबर देखिए, अब एक्स की जगह वाई स्क्वायर आ गया, तो आइडेंटिटी तो सेम ही है, यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, तो यहाँ एक्स की जगह वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर देना है प्लस ए के जगह 3/2 और माइनस 3/2, ठीक है, इस आइडेंटिटी को फिर यहाँ लिखना है वाई स्क्वायर और इधर प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2, और ये ज़ीरो आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू द पावर 4 माइनस 3 3 जा 9/4। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से भी बना सकते थे बट नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अब इसको बना लें। यहाँ आप यूज़ करोगे a माइनस बी ए प्लस बी,
आइडेंटिटी है यूजिंग ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, सो कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, इवेलुएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि 103 ले लिया, 107 ले लिया और मल्टीप्लाई करने शुरू कर दिए, नो, आपको कट जाएगा। आप देखो ये दोनों किस नंबर के नज़दीक है, 100, तो आप लिखो इसको 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो ये हो गया x प्लस a और ये हो गया x प्लस b, जिसका क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, x के जगह 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 और इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 1,000 और ये आएगा 21, तो 11,021, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 95 है जो दोनों है 100 के नज़दीक, यहाँ 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो क्या देख रहे हैं कि इसको हमने ले लिया x माइनस a और x माइनस b, ठीक है, तो प्लस a और प्लस b ही लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आप ये मान लो कि a इक्वल टू माइनस 5 और b इक्वल टू माइनस 4, तो आपका आएगा x स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर और उसके बाद आएगा प्लस, ओके, माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 और प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, ये आएगा 10,000 और माइनस 900 और प्लस 20, यानी 10,020 माइनस 900, और जब आप माइनस करोगे इसको तो 0 और फिर ये 2, फिर 10 में से 9 गया 1, ये 9, ओके, तो इस तरह से हमारा एक रिजल्ट आ गया 9120। अब देखिए इसी तरह से ये दोनों 100 के नज़दीक है, बट ये 100 से ज़्यादा है और ये 100 से कम है, इसको आप लिखो 100 प्लस 4 और इंटू, सॉरी, हाँ, यस यस, और ये 100 माइनस 4, ओके, तो ये आ गया a प्लस बी और x प्लस वाई, आप कह सकते हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, जिसका होता है क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 10,000 माइनस 16, रिजल्ट में आया 10 में 6 4, 9 में 1 8, 9 9, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने देखा कि जब तक आइडेंटिटीज़ हमें याद नहीं रहेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाना वो सिंपल नहीं है, बट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आने पर ये सिंपल ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें बताना है आपको, बताना है बट कि निकालना है, फैक्टोराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा ये आपकी बुद्धिमत्ता बताएगी, कि आपको याद तो है लेकिन समझदारी से यूज़ करना है। जैसे देखिए ये स्क्वायर में बन जाएगा, ये 2 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप 9x स्क्वायर, पहले तो क्वेश्चन आप इस तरह लिख दोगे 6xy प्लस y स्क्वायर। अब क्या है कि इसको लिखोगे आप 3x होल स्क्वायर और फिर इसको लिखोगे y होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर 2ab फॉर्म देना है, 3x यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b, तो इस तरह से आपका आएगा, यहाँ यूज़ होगा, देखें ये मैं दे दिया आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए आप क्या लिखोगे, फैक्टोराइज में ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि आपको ये आ रहा है ए थ्री एक्स है और प्लस ये ए थ्री एक्स और बी वाई। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, थ्री एक्स प्लस वाई और थ्री एक्स प्लस वाई। ओके, इस तरह से हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। देन सेकेंड, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन। अब देखिए इसका आइडेंटिटी दूसरा, देखिए सेकेंड वाला है इस, ये दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये टू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ देखिए ये प्लस वन का होल स्क्वायर। आप यहाँ लिखोगे टू, टू ए बी होता है टू, टू वाई और यहाँ से वन ले चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स हो गया आपका ए के लिए टू वाई आ रहा है और बी के लिए वन आ रहा है। तो आप इसको फिर इस तरह से लिख सकते हो, टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइज्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट आप हो गए। अब देखिए ये तीसरी आइडेंटिटीज़ है, दो आइडेंटिटीज़ का आपने यूज़ किया। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, अब ये देखिए दो ही टर्म है, ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई बाय 10 का होल स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि ये किस आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके लिए आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी मेमोराइज करना पड़ेगा इन लोग इनको। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ए होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर, यानी इसको लिखो आप ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बाय 10 और एक्स माइनस वाई बाय 10। इस तरह से आपको फैक्टोराइज करना है। आगे देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक्सपेंड, आपको एक्सपेंड करना है इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आप देखिए इसमें सिक्स प्रॉब्लम्स है, इसको आप बारी बारी से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फोर्थ का आप सॉल्यूशन फोर का वन, तो क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर। यहाँ आपने देखा कि ट्राइनोमियल्स का स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपने क्या सीखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसमें डालेंगे ए के जगह हम लोग डालेंगे एक्स, बी के जगह टू वाई और सी के जगह फोर जेड प्लस टू एक्स टू वाई। देखिए टू ए बी, टू ए के एक्स और बी के टू वाई, टू बी सी टू टू वाई फोर जेड प्लस टू फोर जेड एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर। फिर आएगा ये टू है, ठीक से लिखना है इसको, टू टू ज़ा फोर एक्स वाई प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर ज़ा सिक्सटीन वाई जेड प्लस टू फोर ज़ा एट जेड एक्स। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर हुआ कंप्लीट। नाउ फर्स्ट कंप्लीटेड, सेकंड की तरफ आते हैं हम लोग, फोर का टू नंबर। ये सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब तक याद नहीं रहेंगे तो आपको बनाने में परेशानी। फोर का टू सेम आइडेंटिटीज से है, यहाँ पे प्लस के बदले माइनस दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस जेड
होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ट्राइनोमियल का स्क्वायर जो हम लोग जान रहे हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब यहाँ देखिए एक ही जगह पर क्या है, टू एक्स है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस जेड। तो b के जगह पे क्या आया, माइनस वाई, और c के जगह z आ गया। इस तरह से a के लिए आप 2x का यूज करो, b माइनस वाई सी जेड, फिर 2ab, 2a 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई जेड प्लस 2z 2x। इस तरह से आपका आएगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 2 2's आ 4xy 4xy माइनस 2yz और 2 2's आ 4, ये हो जाएगा माइनस तो है नहीं, वो सिंगल आपका ये इस तरह से आया। तो c के लिए b के लिए क्या आया, माइनस y ना, c के लिए माइनस y माइनस y, यहाँ माइनस और ये प्लस आएगा, 2 2's 4 4xz। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया, 4 का 2, ठीक है, 4 का 2 हो गया आपका। अब देखिए थर्ड नंबर फिर इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर में है आपका माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। तो ये आएगा आपका, इसको मानिए a a इज इक्वल टू माइनस 2x, b इक्वल टू 3y और c इक्वल टू 2z। यूज होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो फॉर्मूला हर एक बार यूज हो रहा है। अभी यहाँ पे माइनस 2x का होल स्क्वायर 3yb के जगह और c के जगह 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 माइनस 2x 3y प्लस 2 3y 2z प्लस 2 2z और माइनस 2x। तो ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4x स्क्वायर, ये तो कभी माइनस में होगा ही नहीं स्क्वायर वाला, 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 2's 4z स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 2's 4 3's 12xy, फिर ये 2 3's 6 6 2's 12yz और ये प्लस माइनस माइनस 2 2's 4 2's 8 8zx। और इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इस तरह से लेते हैं फोर्थ, जिसमें कि दो बार माइनस आया, अभी तक एक एक बार माइनस आया और यहाँ टोटल प्लस। अभी देखते हैं कि दो माइनस, तो दो माइनस वाले को हम किस तरह से बनाएंगे। बनाने के लिए तो सारे एक ही आइडेंटिटीज पर हैं जो कि ट्राइनोमियल का स्क्वायर है। फोर्थ नंबर है, फोर का फोर्थ नंबर ये है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a के जगह हेयर पहले ही ले लेते हैं कि x के जगह 3a, y के जगह माइनस 7b और z के जगह माइनस सी। तो जैसा कि आइडेंटिटी कहता है कि हम x प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर पर बनाएंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पे हमने x के लिए लिया 3a, y के लिए लिया माइनस 7b,
और जेड के लिए आप माइनस सेवन माइनस सी। फिर अब ये तीन बचा है प्लस टू थ्री ए माइनस सेवन बी, प्लस टू माइनस सेवन बी और माइनस सी, प्लस टू माइनस सी और थ्री ए। तो इस तरह से क्या आएगा, थ्री थ्री जै नाइन ए स्क्वायर और प्लस माइनस स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन बी स्क्वायर और प्लस ये आएगा सी स्क्वायर। फिर ये माइनस में आएगा टू थ्री जै सिक्स सेवन जै फोर्टी टू ए बी। फिर ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा फोर्टीन बी सी और फिर प्लस माइनस माइनस टू थ्री जै सिक्स सी ए। इस तरह से फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। अब है फाइव, फोर का फाइव लीजिए, यानी सभी अभी तक तो एक ही तरह की आइडेंटिटीज़ है और सिर्फ क्या है कि कहीं दो माइनस आया कहीं एक बार माइनस आया। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड। ओके, तो हेयर मान लीजिए कि ए को माइनस टू एक्स, बी को फाइव वाई और सी को माइनस थ्री जेड। तो अब फॉर्मूला आइडेंटिटीज़ तो वही है, ए प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर था, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या आएगा, ये आएगा माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, ए के लिए हमारा क्या आया है माइनस टू एक्स आया है इसका होल स्क्वायर, प्लस बी के लिए आया है फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री जेड। फिर आएगा प्लस टू माइनस टू एक्स फाइव वाई प्लस टू माइनस थ्री जेड और ये हमारा आ रहा है माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री जेड और माइनस टू एक्स। फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर। ओके, और ये आएगा टू फाइव जै टेन, टू टू जै फोर फाइव जै ट्वेंटी एक्स वाई, ये आएगा माइनस माइनस प्लस टू थ्री जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व जेड एक्स और ये आएगा टू टू जै फोर थ्री जै ट्वेल्व प्लस में, ये आएगा प्लस में, ये माइनस आया माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस। ओके, माइनस टू एक्स होल स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव एंड माइनस थ्री तो नाइन जेड स्क्वायर, टू यहाँ टू एक्स फाइव वाई तो माइनस आया, फिर टू फिर यहाँ आता आपको फाइव वाई आता, ये आएगा फाइव वाई, ये फाइव वाई और ये माइनस थ्री जेड। ओके, माइनस थ्री जेड, फिर आएगा टू माइनस थ्री जेड माइनस टू एक्स। ओके, सही है, तो देन माइनस टू एक्स होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर, ये आएगा टू टू ज़ा फोर फाइव ज़ा माइनस ट्वेंटी एक्स वाई, ये फाइव टू ज़ा टेन टेन थ्री ज़ा थर्टी वाई जेड, ये आप माइनस में थर्टी वाई जेड रखिए माइनस थर्टी वाई जेड और ये लास्ट में आपका आएगा माइनस माइनस प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व जेड एक्स और ये आखिरी लास्ट एट द एंड में आपको ये करना है सॉल्व। ये थोड़ा सा है क्या कि फ्रैक्शन लाया है, ये कुछ बदल दिया है, बाकी है आइडेंटिटी सेम ही। तो हम फोर्थ का फाइव सिक्स नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है आपका वन बाय फोर ए माइनस वन बाय टू बी प्लस वन, यहाँ पे आप लीजिए इसको एक्स, हेयर
एक्स इक्वल्स टू 1/4a, वाई इक्वल टू -1/2b और जेड इक्वल टू 1। अब यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जिसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो यहाँ पे हमको डालना है x के लिए 1/4a। देखिए यहाँ मैंने दिया है तो 1/4a होल स्क्वायर प्लस ये माइनस में 1/2b होल स्क्वायर प्लस z के लिए आएगा 1, फिर आएगा 2xy प्लस 2x के लिए ये 1/4a, 1/4a माइनस 1/2b ये माइनस में है, फिर आएगा 2 माइनस 1/2b 1 और प्लस 2 1 और 1/4a। ये सॉल्व करते हैं 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1, ये कैंसिल होने पर आएगा प्लस माइनस माइनस और ab/4, ये भी आएगा प्लस माइनस माइनस, ये 2 कैंसिल तो ओनली b आएगा और ये 2 2 4, तो ये आएगा आपका a/2। ओके, सो दिस इज द आंसर।